ओके गाइस दैट फॉर इट दिस वीडियो साड़े के सो वो डेफिनेटली मैं रिटर्न ही करने वाली हूँ इनफैक्ट या आपको इससे एंड हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले मेरी ओर से हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो आज बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो क्लोथिंग हॉल अंडर ₹399। सो यार इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस हॉल के लिए ना मैंने सबसे पहले दो साड़ी परचेज की थी तो मुझे उसके लिए ना ब्लाउज चाहिए था तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ऑनलाइन स्ट्रीचेबल ब्लाउज ले लेती हूँ। सो मैंने एक्सेल साइज मंगवाया था एंड मुझे जो रिसीव हुआ है ना वो टोटल डिफरेंट साइज है। मुझे रिसीव हुआ है यहाँ पे ये एल साइज, ये बिल्कुल भी मेरे साइज का नहीं है। पीछे की साइड लिखा भी हुआ है कि ये एल साइज है, मैंने एक्सेल साइज मंगवाया था। सो डेफिनेटली मैं इसे रिटर्न ही करने वाली हूँ एंड ये मैंने लिया था ₹177 में बट मेरे पैसा ना वेस्ट है। सो यार मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। जो सारी ऑर्डर की थी ना वो इस टाइप से शो हो रही थी वेबसाइट पे, मुझे कुछ इस टाइप से रिसीव हुई है। मुझे ना वेबसाइट पे देख के लग रहा था कि बहुत ही अच्छी एंड ब्यूटीफुल सी साड़ी आएगी बट ये जो कलर मुझे रिसीव हुआ है ना वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा एंड इसका कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बांधनी साड़ी का ना वर्क किया हुआ है एंड इसके चारों ओर आपको इस टाइप की लेस मिल जाएगी। लेस का मटेरियल बहुत अच्छा है बट इसका जो कपड़ा है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे इसमें ना आपको ब्लाउज के लिए एक अलग सा कपड़ा मिल जाएगा एंड उस पर भी इस टाइप से लेस का वर्क किया हुआ है एंड ये मैंने लिया था ₹378 में एंड इस प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। मैं इस साड़ी के लिए आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। नेक्स्ट मैंने जो साड़ी परचेज की थी ना वो थी ये वाली मल्टी कलर में। इस साड़ी को ना मैंने कई इन्फ्लुएंसर को पहने हुए देखा, मेरा भी मन था ये साड़ी पहनने का। इसका प्राइस ना बहुत ही ज्यादा हाई था अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे। सो मैंने सोचा कि ना मीशो पर ट्राई करते। सो मीशो पे ये मुझे ₹300 में मिली है एंड बहुत अच्छी साड़ी। इसका कपड़ा ना बहुत 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 अच्छा है, जिरजट का इसका कपड़ा है। पूरी साड़ी में ना आपको इस टाइप से लेस का वर्क मिल जाएगा एंड पहन में ना बहुत 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 ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है ये साड़ी। ऑल ओवर इस पे ना सिर्फ यही रेनबो टाइप का ही डिजाइन है एंड इसमें भी ना आपको अलग से कपड़ा मिल जाएगा ब्लाउज के लिए। मुझे ब्लाउज का कपड़ा ना बहुत ज्यादा पसंद आया बिकॉज मुझे ना इस टाइप में स्काई कलर बहुत ज्यादा पसंद आता है। सो ये हाईली रिकमेंड दिस साड़ी बिकॉज बहुत अच्छी है। 300 में डेफिनेटली आप ले सकते हो, हाईली रिकमेंड दिस। नेक्स्ट मैंने जो ड्रेस परचेज किया था ना वो था ये वाला, ₹316 में मैंने ये परचेज किया था एंड इसमें ना बॉटम एंड ऊपर का टॉप दोनों ही आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कुर्ता है बट इसमें ना आगे की साइड यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों ही साइड ना आपको कट मिल जाएगा। जब मैंने वेबसाइट पे देखा था ना इसका फोटो तो मुझे नहीं लगा था कि इस टाइप का कोई कट आएगा बट बहुत अच्छा है। पहनूंगा ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इन फेस्टिव के लिए ना बहुत ही अच्छा कुर्ता है एंड इसमें ना आपको ऑल ओवर इस टाइप से प्रिंट मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको ना बटन लगे हुए मिलेंगे एंड कुछ इस टाइप से है। पीछे की साइड ना ये पूरा प्लेन है, बस नीचे की साइड इस टाइप से लेस का वर्क किया हुआ है एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप का लगा हुआ है, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं। एंड इसकी स्लीव ना आपको कुछ हाफ मिल जाएगी। स्लीव ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ये पहना हुआ ना बहुत अच्छा लगेगा एंड इसमें ना आपको जो बॉटम मिल रहा है ना उसका कपड़ा बहुत स्मूथ है, चुभने वाला बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपको इलास्टिक मिल जाएगा एंड ऑल ओवर ना प्लेन ही है। आई थिंक सो इसमें नीचे लेस का वर्क हुआ होता है ना तो बहुत ज्यादा खूबसूरत और भी लगता बट इस प्राइस के अकॉर्डिंग ना वर्थ इट है, आप ले सकते हो, हाईली रिकमेंड दिस। एंड नेक्स्ट ड्रेस मैंने परचेज किया था ना वो था ये वाला, वेबसाइट पे कुछ इस टाइप से शो हो रहा था एंड ये मैंने लिया था ₹364 में एंड वो ना मुझे डिट्टो वैसा का वैसा ही रिसीव हुआ है एंड पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस, यहाँ पे ना ऑल ओवर पूरा प्लेन ही कपड़ा आपको मिलेगा एंड यहाँ पे नीचे की साइड जो कट आता है ना वहां पे इस टाइप से गोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है। एडर हिस्सा है ना दोनों ही साइड आपको इस टाइप से दो दो डस्ट लगी हुई मिलेगी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था पहनने में बहुत। इसके बॉटम में मुझे शरारा रिसीव हुआ है, अगेन ये भी इलास्टिक है एंड इसके घेरे की तो मैं क्या बात करूं, बहुत अच्छा घेरा है एंड पहनने के बाद ना बहुत अच्छा एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। प्रोफेशनल कुर्ता है, आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं, हाईली रिकमेंड दिस। नेक्स्ट मैंने ना ये ग्रीन कलर की कुर्ती परचेज की थी बिकॉज ये ना मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। परचेज की ₹284 में एंड उस लुक एट
ये ना देखते हैं किसी को भी पसंद आ जाने वाला है। यहाँ आगे की साइड एम्ब्रॉयडरी की हुई है, यहाँ पे आपको बटन मिल जाएंगे एंड स्लीव आपको कुछ इस टाइप से इतनी मिल जाएगी। जो कुर्ती है ना वो पूरी प्लेन है बट पहनने के बाद ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड इसका जो है ना वो शेप राउंड शेप है, अनारकली टाइप का। एंड ये ना मुझे बहुत पसंद आया था एंड इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत 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 स्मूथ है, मुलायम है। पहनने के बाद आपको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी या ये खाने वाला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग हाईली रिकमेंड दिस, आप ले सकते हो। नेक्स्ट मैंने ये वाला ड्रेस परचेज किया था 329 रुपीज में एंड लुक एट दिस, ये बहुत 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 ही प्यारा लग रहा है। एंड यहाँ पे जो ये वाला जो डिजाइन है ना ये पूरा प्रिंट है, बट ये वाली डिजाइन आपको जहां जहां पे भी दिख रही ना वो पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। इसकी स्लीव ना आपको कुछ इतने तक मिल जाएगी, इससे भी नीचे तक की है इसकी स्लीव पहनने के बाद। एंड ऑल ओवर ना इस टाइप से प्रिंटेड की हुई है एंड बीच के साइड ना आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी एंड पीछे की साइड से ना आपको इस टाइप से प्रिंटेड कुर्ता मिल जाएगा। पैंट मिलेगा जिसकी जिसमें ना इलास्टिक लगा हुआ अच्छी क्वालिटी का। एंड नीचे की साइड आपको ना अगेन यहाँ पे एक एम्ब्रॉयडरी की हुई मिलेगी जो पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। मटेरियल ना मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, सबने घर में पहना ना तो ये आपको ना इरिटेट कर सकता है। डिसाइड कीजिए कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ओके गाइस दैट्स फॉर इट दिस वीडियो। सो गाइस आज के इस हॉल में ना मुझे सभी चीजें बहुत पसंद आई सिवाय ये रेड कलर की साड़ी के। सो वो डेफिनेटली मैं रिटर्न ही करने वाली हूँ। इनफैक्ट आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है, सो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। एंड न्यू मेरे चैनल पे एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड या मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।